हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास, मास होना चाहिए था ये, मास ऑफ गैस इज 10 लीटर होना चाहिए था इसको, 10 लीटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट 91 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सेम प्रेशर। सो गाइस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें किसी सर्टेन प्रेशर पे, यानी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो हमारा गैस है उसका जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है 10 लीटर कर रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्रेशर तो कांस्टेंट है और जो हमारी गैस है उसने 10 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूम जो उसने 91 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्यूपाई कर रखा होगा एट सेम प्रेशर, यानी कि प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो बेसिक से ये बात कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हमें अगर वॉल्यूम दे रखा है, ये हमें अगर टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है जी। तो वॉल्यूम पहले कह रहा है कि वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर है, जब कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, और हमें पूछ रखा है कि 91 डिग्री सेंटीग्रेड जब हो जाएगा हमारा टेम्परेचर तो जो ये वॉल्यूम होगा ये कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रखा बेसिकली से। तो देखो, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं उसमें आपने जो हमारा चार्ल्स लॉ होगा वो पढ़ा होगा, चार्ल्स लॉ आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है जी, चार्ल्स लॉ कहता है हमारा कि जो हमारा कोई भी गैस होती है वो किसी कांस्टेंट प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम होता है उसके टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, या मैं उल्टे तरीके से कहूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घट रहा है तो उसका वॉल्यूम भी घटेगा, ये कहता है वो जी। और प्रेशर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल अगर होती है तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हमारी, ये हमारा क्या कहता है, चार्ल्स लॉ कहता है। तो मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ कि वी बाई टी इक्वल टू किसी कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। अब मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये अगर किसी गैस के लिए V1 बराबर T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई T2 हो जाएगा, यानी कि अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट रखा है तो ये के कांस्टेंट जो होगा उसी गैस के लिए, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, मतलब जो हमारा वो गैस होगी वो उस प्रेशर पे उस कांस्टेंट के बराबर हो रही है, तो इट मीन्स V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, एक ये कंडीशन हमें मिल सकती है, ये कंडीशन मिल सकती है। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ अगर अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अपना जो यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम है ये फाइंड कर सकता हूँ आसानी से। अब ये वॉल्यूम फाइंड करना है जी हमें, तो कैसे फाइंड करूँगा मैं, ये तो हमारा हो जाएगा V1, ठीक है जी, जब इनिशियल वॉल्यूम है, ये हमारा हो जाएगा T1, ये हमारा हो जाएगा T2, ठीक है, T2 टेम्परेचर 91 डिग्री, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें V2 फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना है, यानी कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है तो हमें इसे केल्विन में चेंज करना है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन के बराबर होता है, तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री की जगह पर लिख देता हूँ, 273 केल्विन की बात हो रही थी। और 91 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा केल्विन में, तो 273 में 91 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, 364 केल्विन आ जाएगा, कितना, 364 केल्विन आ जाएगा। अब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पता है, V1, T1, T2, इस फॉर्मूले में वैल्यू पता पुट करके देखो सबकी। तो V1 हमने कह दिया 10 लीटर है, ठीक है जी, T1 कितना है, तो T1 है हमारा 273 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2, V2 हमें पता नहीं है तो हमने सपोज कह दिया इसको थोड़ी देर के लिए कि ये X था, X लीटर था, तो X डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, ये T2, T2 कितना है, 364। तो यहाँ से आप x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 364 × 10 डिवाइडेड बाई 273। अब तो ये कैलकुलेशन है जी, इसको करना है आपने तो आसानी से, तो नहीं होगा, 7 और 3 हो गया, 10 2 3 से तो ये कैंसिल हो जा रहा है, वैसे कौन सा ऊपर वाला नहीं हो रहा, पर ठीक है, तो डिवाइड करके ही देखते हैं सीधे सीधे, 273 को इससे डिवाइड करूंगा मैं, तो ये लगभग लगभग 200 वन टाइम जाएगा, और कितना बचेगा हमारा, 64 एंड हो गया हमारा कितना, 65 5 70 80 90 91 रिमेनिंग हो रहा है, तो पॉइंट लगाया तो 9 9 10 हो गया। अब कितने बार जाएगा, लगभग लगभग अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 273 ना,
ढाई ढाई पाँच, पाँच साढ़े पाँच है ना, और तीन, फिर से हो गया दो पाँच दो सात, साढ़े सात, 775, चार बार समथिंग जा रहा है भाई, 1.4 के करीब आ रहा है लगभग, 1.4 × 10। और ये अगर आप मल्टीप्लाई करके देखो 1.4 × 10 तो कितना आएगा, 14, 14 पॉइंट समथिंग आएगा, पर मोटा मोटा हम ही मान लेते हैं 14 के समथिंग आ रहा है। तो 14 लीटर क्या है जी, 14 लीटर हो जाएगा एक्स, यानी कि ये वॉल्यूम है ना, तो एक्स कितना हो गया, 14 लीटर हो गया। हमने कैसे निकाला, तो आपने यहाँ पे देखा होगा हमने कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन फुलफिल की, क्या क्या कंडीशन फुलफिल की हमने भाई, यहाँ पे देख लो आप, ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमने बेसिकली किया कुछ नहीं, हमने चार्ल्स लॉ अप्लाई किया, हमें वॉल्यूम पता था, हमें टेम्परेचर पता था, दूसरा टेम्परेचर पता था, हमें दूसरे टेम्परेचर के लिए वॉल्यूम फाइंड करना था, तो चार्ल्स लॉ लगाया और सीधे सीधे हमारा कितना आ गया, जो भी हमारा ये निकालना था हमने, तो वो टेम्परेचर हमारा आ गया लगभग लगभग कितना आया वो एग्जैक्ट, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में हो सकता है, आप ये डिवाइड करके देख लेना, तो लगभग लगभग कितना आ रहा, 14 लीटर के बराबर आ रहा। तो इस प्रकार से हम कर सकते थे इसको, बस इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपको ये जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में चेंज करना जरूरी है, सीधे सेंटीग्रेड में रख के मत लगा देना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे मस्त रहे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।